अजमेर में सेंध मारकर चोरी करने की वारदात का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। लंबे अरसे के बाद सेंध मारी कर वारदात अंजाम देने वाले चोरों ने बीती रात कचेरी रोड स्थित एक मोबाइल दुकान पर वारदात को अंजाम दिया। श्री राधे मोबाइल सेंटर पर अज्ञात चोरों ने रेलवे स्टेशन की ओर बनी दुकानों की दीवार में संदेह लगाई और फिर दुकान भारी मात्रा के सामान मिलने की आस लगाते हुए अंदर घुसे, लेकिन यहाँ 15-16 मोबाइल सामान्य स्तर के ही चोरों को प्राप्त हुए, जिन्हें वे लेकर रवाना हो गए। गले में रखे करीब 250 रुपए की नकदी चोरों के हत्थे चढ़ गई। एक घंटे में दुकानदार को लगभग 20,000 का नुकसान हुआ। चोरी की घटना से पीड़ित दुकानदार ने बताया कि उसके यहाँ इस तरह की पहली घटना है, जबकि इससे पूर्व कपड़े की दुकान में भी चोरों ने तंदेमारी का प्रयास किया था। दुकानदार ने आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में रात्रि गश्त के नाम पर यहाँ कुछ नहीं होता। अजमेर पुलिस यातायात पुलिस के साथ मिलकर अब उगाही करने का काम कर रही है। बिना हेलमेट लगाकर वाहन चलाने वालों को पकड़ने में व्यस्त है। अजमेर पुलिस को इन चोरों से कोई सरोकार नहीं है। नहीं, पहली बार ही हुई है भैया ये चोरी, तो फर्स्ट टाइम ही है। पीछे वहाँ पे छेद करा था हमने, जब सुबह शॉप खोली तो यहाँ ऊपर माल छोड़ के जाते हैं 15-20 पीस, तो हमको नज़र नहीं आए थे, तब हमको पता चला कि 15-20 पीस चोरी हुए। बाकी जो बड़े एंड्रॉयड है वो सारे हम घर ले जाते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं रखते। बाकी यहाँ से कुछ भी नहीं गया, कैश का 250-300 रुपये वो लेके गए। हाँ, 2 दिन पहले पास में एक बाइंडिंग की दुकान है, वहाँ भी इन्होंने शेयर करा, वहाँ से 8-9 हज़ार की नकदी थी वो लेके गए। हाँ, इस रोड पे होती रहती है, हमको पहले से पता है, इसलिए हम जो बड़े एंड्रॉयड हैं सारे मोबाइल हैं महंगे वाले, और रोज डेली घर पे ले जाते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं रखते। अब रात को तो वैसे यहाँ पता नहीं चलता कि क्या माहौल रहता है, लेकिन पीछे क्या है पूरा सुनसान एरिया, और एक ईंट की दीवार ही लगी हुई है, तो कभी वारदात हो जाती है कुछ पता नहीं चलता। 20,000 का नुकसान। 15-16 मोबाइल। मनीष डानी।